हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया ही चलनी चाहिए, ठीक है। और यार, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम हो, चाहे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे बिल्कुल कोई छोटी सी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही, मैंशन कर दिया करो यार, बिना कुछ सोचे समझे कि मैं क्या सोचूंगा, कि कैसा सवाल पूछ लिया, इतना आसान सा सवाल मेरे को नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो, जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। और बहुत सारी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और कैसी भी कोई भी छोटी प्रॉब्लम हो, मेंशन कर दिया करो, शर्माया मत करो एक तो, ठीक है, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, ओके। तो चलो आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन इन ए कंपाउंड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। करें स्टार्ट, फिर भूल गए आप लोग। स्टार्ट करने से पहले नया टॉपिक, अपना वही काम, लास्ट क्लास में दी गई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। आपने तो पक्का नहीं की होगी, अब तो लग रहा है आपको याद ही नहीं था। चलो मैं हूँ, मैं आपको याद दिलाने आ गया। तो अपने लास्ट क्लास में ये क्लास 12th यूनिट से लिक्विड सॉल्यूशन से एक प्रॉब्लम दी थी, जिसमें प्रेशर का मॉल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक रिलेशन दिया था और पूछा था कि वेपर प्रेशर द प्योर लिक्विड ए एंड बी, ए और बी का वेपर प्रेशर मुझे बताना था, ठीक है। अब देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तीन मेथड्स होते हैं, मैं आपको आज बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। क्या है सॉल्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम का? अब देखो, प्रेशर का रिलेशन दे दिया कुछ 0.63 माइनस 0.25x, क्लियर। और x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ a, x क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ a इन द सॉल्यूशन, मेंशन है क्वेश्चन में। अब देखो, मान लो जब x हो ही ना, a कंपोनेंट, अब देखो सबसे पहले इसमें क्या, कौन कौन से दो कंपोनेंट हैं, a और b। जब मान लो a हो ही ना, मतलब a का कोई भी मोल फ्रैक्शन ना हो, तो पूरे जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या होगा, खाली b होगा। व्हेन x इज जीरो, x जीरो का मतलब क्या हो गया, a प्रेजेंट नहीं है, पूरे डब्बे में खाली क्या है, b। तो जो p आ जाएगा, जब x को जीरो डाल देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.63, और वही क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ b। क्यों सर? जब a है ही नहीं डब्बे में तो खाली क्या बचा, b, तो ये b का प्रेशर आ गया जब x जीरो डाला। और जब x को 1 लग देंगे, x 1 का मतलब x है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ a, तो पूरे पूरे जो सॉल्यूशन में क्या है, खाली a है। जब मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन 1 ही तो हो सकता है, जब a है मैक्सिमम, तो डब्बे में क्या है, इस डब्बे में जब पूरा पूरा a है तो क्या नहीं है, b नहीं है, मोल फ्रैक्शन 1 हो गया मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0.63 माइनस 0.25 इनटू 1, तो ये कितना आ गया, 0.38, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, a। और यही तो मुझे फाइंड करना था, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड a एंड b। तो जब x जीरो होगा, यानी डब्बे में खाली b है, तो x को जीरो डाल दो, और जब x वन होगा, यानी डब्बे में पूरा पूरा a है, b नहीं है, तो वो क्या हो गया, a नॉट और b नॉट। कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, सबको होगी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। अब देखो, नाम पढ़ के तो आपको लग रहा होगा यार कितना बड़ा बड़ा नाम है, देखो क्या ब्ला 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 लिख रखा है। अब सोचो, जितना बड़ा नाम उतना आसान वो टॉपिक। सर ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। कैसे, देखते हैं, चलो इसके टॉपिक को समझते हैं। पहले देखो, जब भी जैसे किसी की शादी वगैरह में अपन जाते हैं, और फिर बाद में जब आते हैं तो एक मिठाई का डब्बा भी आता है अपने साथ, या बाद में कोई देखे जाता है उनके घर में ऐसे शादी थी और मिठाई का डब्बा आया है। उस मिठाई के डब्बे में होता क्या क्या है, उस मिठाई के डब्बे में क्या होता है, मान लो दो चार लड्डू होते हैं, बना दूं मैं, ये मान लो मिठाई का डब्बा था, उसमें दो चार लड्डू थे, दो तीन ऐसे बर्फी थी, एक दो ऐसे गुलाब जामुन थे, एक दो नमक पारे होते हैं जो नमकीन नमकीन होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं मिठाई के डब्बे में, जैसे दो तीन लड्डू हो गए, दो बर्फी, दो गुलाब जामुन, दो तीन मट्ठी, ये मिठाई का डब्बा। और इसी तरह अपना केमिस्ट्री का कंपाउंड होता है। कैसे, मान लो मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, मिठाई का डब्बा। अब इस मिठाई के डब्बे में क्या क्या है, इस मिठाई के डब्बे में एक कैल्शियम वाली मिठाई है, एक कार्बन वाली मिठाई है, एक ऑक्सीजन वाली मिठाई है, ठीक है। कितनी कितनी है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कितनी कितनी है ये समझ में आ गया। अब उस मिठाई का, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम वाली मिठाई का कितना परसेंटेज है, कार्बन वाली मिठाई का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन वाली मिठाई का कितना परसेंटेज है, वो ही हम निकालेंगे। देखो नाम भी देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट क्या हो जाए, कैल्शियम इन ए कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें कैल्शियम की कितनी परसेंटेज है, कार्बन की कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, वो हम निकालने वाले हैं इस टॉपिक में। और ये बहुत आसान टॉपिक है, इसके लिए अपन एक सीधा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू जेड इंटू ए बाई एम इंटू 100। 100 किस लिए, परसेंटेज के लिए। अब जेड क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल।
ए क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट और एम क्या है मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड। अब हम बात करें, रिलेट कर लें एक बार कैल्शियम कार्बोनेट से। तो मान लो मैं सबसे पहले बात करूं कि कैल्शियम का मेरे को परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एलिमेंट ऑफ कैल्शियम इक्वल टू जेड। जेड क्या है कि उसमें कैल्शियम है कितने, कितने कैल्शियम दिखाई दे रहे हैं, एक, तो जेड आ गया एक। एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट, उसमें कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है वो यहाँ डाल देंगे एक ही जगह। एम क्या है इस पूरे कंपाउंड का, कंपाउंड क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, पूरा मिठाई का डब्बा कैल्शियम कार्बोनेट, उसका कंपाउंड का वेट कितना है वो क्या हो गया एम। इस फॉर्मूले में डालेंगे, खटखट आंसर लाएंगे। वैराइटीज ऑफ इतनी प्रॉब्लम करूंगा ना कि आप खुद सोचोगे यार मजा आ गया। करते हैं स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन बतानी है कैल्शियम कार्बोनेट में। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्या होगी, 1 into 40, 1 कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है, एटॉमिक वेट कैल्शियम का 40 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। कैल्शियम का वेट 40 प्लस 1 कार्बन है 12 प्लस 3 into 16, ऑक्सीजन का वेट 16 into 100, ये सारा डिनोमिनेटर वाला चीज़ 100 से 100 कैंसिल, तो ऊपर कितना आ गया 40%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ कैल्शियम लिखूंगा तो कितना, 1 into 12 डिवाइडेड बाई 100 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये सारा सम क्या है 100 into 100, ये कितना हो गया 12%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना लिखूंगा, बोलो इधर कितना लिखूँ, कितने ऑक्सीजन है 3 into, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 डिवाइडेड बाई 100 into 100, ये 100% के लिए तो कितना आ गया 48%। अब देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एक और तरह से आप निकाल सकते हो, टोटल तीन चीज़ें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, दो चीज़ निकाल ली कैल्शियम और कार्बन, और टोटल तो 100% हो सकता है, तो 100 में से परसेंटेज ऑफ कैल्शियम प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, जो कि कितना है 40 plus 12, कितना आ गया अगेन ये 48% ही आ गया। ये प्रॉब्लम क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब देखो अगली प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन कोरंडम। अब देखो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है पर किसी को ये मतलब ही नहीं पता कोरंडम होता क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉब्लम उसके लिए हार्ड हो गई, वो जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं कर सकता। तो इसी तरह कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। कोरंडम होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है एल्यूमिनियम की, Al2O3, ये कोरंडम है Al2O3। तो इसमें परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम कितनी हो जाएगी, 2 into, एल्यूमिनियम का वेट 27 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड कितना हो जाएगा 102 into 100, और ये कर लेना कैलसी से या खुद कर लेना 53% के अप्रोक्स आता है। ये 102 कैसे आया, एल्यूमिनियम का वेट 27 ऑक्सीजन का 16, 2 into 27 plus 3 into 16, 102 आएगा, तो 53% हो गया कोरंडम Al2O3। प्रॉब्लम सिंपल थी पर कोरंडम का मीनिंग नहीं पता तो प्रॉब्लम हार्ड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखो अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम बोल रही है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियल में कितना पानी है वो हमें बताना है। अब देखो अगेन प्रॉब्लम सिंपल है, वही सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, कौन से वाला, ये वाला परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट जेड इनटू ए बाय एम। अब जब किसी को ग्रीन विट्रियल नहीं पता उसके लिए प्रॉब्लम वहीं ख़त्म। अब देखो ग्रीन विट्रियल का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, Fe SO4.7H2, दैट इज द ग्रीन विट्रियल, ठीक है। अब देखो इसका मॉलिकुलर वेट निकाल लेते हैं इस कंपाउंड का, पहले आयरन का कितना होता है 56, सल्फर का 32 प्लस 4 into 16, क्योंकि 16 है। अब मॉलिकुलर वेट देखो, ये डॉट 7H2 है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जितना भी है, ये कैसे करते हैं आप देखो, प्लस 7 into 18, ये डॉट है, यहाँ कोई कई लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत है, प्लस 7 into 18, और इसका टोटल सम होकर आता है ये करीबन 278, ये 278 आता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी हो गई, क्रिस्टलाइजेशन कितने वाटर हैं 7, और एक वाटर का सम कितना हो गया 18, कैसे 2 into 1 plus 16, कितना हो गया 18, तो 18 कर दूं डिवाइडेड बाय 278 into 100, देख लेना 18 7 जो जितना भी होता है, और डिवाइडेड बाय 18 7 जो कर ही देते हैं अपन, कितना होगा 126 डिवाइडेड बाय 278 into 100, और ये करीबन इतना 45.3% के करीब आएगा, 45.3%। तो क्या किया अपन ने, Fe SO4.7H2 ग्रीन विट्रियल, मॉलिकुलर वेट निकाला, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल लिया। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी किस तरह करनी है। प्रॉब्लम सिंपल है पर किसी को जो फॉर्मूला नहीं पता होगा तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ें,
देखो प्रॉब्लम में वेरिएशंस कितनी सारी हैं, पहली प्रॉब्लम सिंपली, फिर नेम से ली, अब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और अगली प्रॉब्लम बिल्कुल अलग। मैंने बोला था ना एक एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, हर एक कंसेप्ट पे मजा आएगा प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रही है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रही है कि एक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स इतने परसेंट नाइट्रोजन, 0.07% नाइट्रोजन, कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, मिनिमम मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड बताना है, और उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और क्या है हमें नहीं पता, और एक वर्ड बोला है मिनिमम, ठीक है। अब देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है, जेड इंटू ए बाय एम होगा इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, कितना 0.07, जेड कितना लिखूँ, कितने नाइट्रोजन है सोचो, ये बहुत सिंपल चीज़ है और बड़ी अजीब सी चीज़ है। देखो मिनिमम बोला है तो मिनिमम कितना हो सकता है नाइट्रोजन, क्या आधा नाइट्रोजन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मिनिमम कितना होगा, एक नाइट्रोजन होगा मिनिमम, एक से कम तो नाइट्रोजन होगा ही नहीं उस कंपाउंड में। तो मिनिमम जब भी वर्ड आ जाए कि मिनिमम मोलर मास बताओ, मिनिमम ये है, तो मिनिमम नाइट्रोजन कितना हो गया 1, क्योंकि आधा या 0.25 तो नाइट्रोजन हो सकता, मिनिमम तो कितना होगा 1, और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है सबको पता है 14, तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100, तो यहां से जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो करीबन 20,000 आएगा। अब यूनिट देख लेना जो भी हो, यू है एम यू, वो तो एक ही बात है, और जो भी ग्राम ग्राम। तो एक प्रॉब्लम समझ में आई कैसे करनी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गिवन थी, मिनिमम मोलर मास बताना था, उस कंपाउंड में हमें सिर्फ नाइट्रोजन की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो मिनिमम मोलर मास पूछा है तो नाइट्रोजन के लिए जेड वन रख देंगे, क्योंकि मिनिमम एक नाइट्रोजन तो होगा ही उस कंपाउंड में, और बाकी उस कंपाउंड में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन रखा, नाइट्रोजन का परसेंटेज गिवन था, और मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड पता कर लिया, क्लियर। ये प्रॉब्लम समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर ली, मज़ा आया होगा पक्का आया। चलो एक और अच्छी प्रॉब्लम करते हैं इस टॉपिक पे। क्या एक क्वेश्चन, 16.5 ग्राम ऑफ द मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म 35.6 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मेटल ऑक्साइड। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16.5 ग्राम हमने मेटल लिया कोई, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो मेरे पास उस मेटल का ऑक्साइड कितना बना, 35.6 ग्राम। तो मेरे को बताना है कि उस जो मेटल ऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। अच्छी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। मैं तो सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ स्टार्ट, हो सके तो एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना, मजा आएगा। करें फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। चलो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले हम वैसे वैसे करते चले जाएंगे स्टेप टू स्टेप। क्या बोला है, मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, तो मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। क्या बना दिया, M2O। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेटल में मेटल का कोई आइडिया ही नहीं है क्या है, तो मैं N ले लूँ, NM, तो ये क्या बन गया, M2ON, क्लियर ये बात। ये रिएक्शन किसी को लिखने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मेटल कितना लिया इसने, 16.5 ग्राम मेटल लिया है, और मेटल ऑक्साइड बन कितना रहा है, 35.6 ग्राम, ठीक है, यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं अपन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ दैट कंपाउंड या दैट मेटल ऑक्साइड इनटू 100, ठीक है। मेरे को वेट ऑफ दैट कंपाउंड वो तो मेरे को पता है कि 35.6 ग्राम है, अब मुझे कहीं से वेट ऑफ ऑक्सीजन पता लग जाए कि कितना ऑक्सीजन इतने 16.5 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट किया है, तो मेरी प्रॉब्लम खत्म, बिल्कुल खत्म। तो कैसे निकाल देंगे भाई, देख मेटल का वेट मेरे को पता है, मेटल ऑक्साइड का पता है, दोनों को माइनस कर दूंगा तो ऑक्सीजन का मिल जाएगा, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना लिख दूं मैं, मेटल ऑक्साइड के वेट में से यदि मैं मेटल का वेट हटा दूं तो खाली ऑक्साइड का ही वेट बचेगा, तो कितना हो गया, ये होगा 19.1 ग्राम वेट ऑफ ऑक्सीजन है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना लिख दूं, 19.1, वेट ऑफ कंपाउंड कितना है, 35.6 इनटू 100, तो कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पे, 53% के करीब आता है, 53.6% के करीब, ठीक है। बढ़िया प्रॉब्लम थी ये, सबको परसेंटेज कंपोजिशन पे बहुत सारी वैरायटीज़ पे प्रॉब्लम मैंने करवाई, किसी कोई प्रॉब्लम में डाउट आए जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, दोबारा करेंगे एक प्रॉब्लम फिर से, ठीक है। टॉपिक सबको क्लियर, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने से पहले वही अपना अगले लेक्चर के प्रॉब्लम देखो। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज, कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन में वाटर से करवाऊँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 की रिएक्शन में वाटर के साथ करवाऊँ तो क्या रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा यार, बहुत लोगों को दिक्कत आती है यार, सबको दिक्कत आती है ऑर्गेनिक की रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट फाइंड करना हो सके तो बढ़िया बात, वरना तो अगले लेक्चर में मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं फटाफट इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है, बाय।